Hello friends, welcome back to our YouTube channel SSTSC. Friends, today we discuss the ONGC civil examination strategy for diploma mechanical student. ठीक है, तो पहले आपको जानना है कौन सा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. ठीक है, इसी को आपको जानना है टेक्निकल डोमेन में. तो हम आपको क्या करेंगे, पहले ONGC एग्जामिनेशन कैसे कॉन्डक्ट करेगा, टेक्निकल डोमेन में कितना परसेंटेज मार्क्स रहेगा एंड नॉन टेक्निकल डोमेन में कितना परसेंटेज मार्क्स रहेगा, वो आपको पहले हम समझाएंगे. उसी के बाद ये जो टेक्निकल को जो डिटेल मैंने प्रिपेयर किया है वो आपको बाद में समझाऊंगा. तो चलिए पहले देख लेता हूँ ONGC का जो एडवर्टाइजमेंट है. तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आज मैंने बात कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इसी पद का जो एग्जामिनेशन होगा ONGC की तरफ से, उसी का स्ट्रेटजी के बारे में. ठीक है, आपका CBT एग्जामिनेशन में रहेगा 85 क्वेश्चन, एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर आपको 10 मार्क्स मिलेगा एंड आपका अगर कोई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उसी के ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स. ठीक है, अब आते हैं हम आपका जो एकेडमिक स्कोर है, उसी स्कोर अगर अब 40% है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा एंड आपका एकेडमिक यदि 50% से ज़्यादा है तो आपको 50% से ज़्यादा लेकिन 60% से कम या 60% के बराबर तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा एंड आपका एकेडमिक 60% ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है एक कांस्टेंट है, ये इसी को आपको आप नहीं बदल सकते हैं क्योंकि आपका जो एकेडमिक है जो आपको मिल चुका है वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप CBT एग्जामिनेशन को ज़्यादा ध्यान दीजिए तो इसी में आप कुछ कर सकते हैं. वो क्या है, देखिए आपका जो 85 टोटल CBT एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उसी का 20% लगभग 70% आपको 17 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जनरल एंड मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड में एंड रेस्ट ऑफ 63 क्वेश्चन आएगा आपका टेक्निकल डोमेन में. ठीक है, इसी का अर्थात आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से बिलोंग करेंगे तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको 63 क्वेश्चन पूछा जाएगा. अभी हम आता है जो 63 क्वेश्चन से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कैसे करेगा. ठीक है, उसी के लिए मैं एक डिटेल सिलेबस लेकर आपको आपके सामने आया हूँ, वो अभी आपको समझाऊंगा. तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में हम बात कर रहा हूँ. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको कौन सा टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, स्ट्रेस स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग्स मॉड्यूलस, पॉइसन रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस, बार्क्स मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर जो इक्वेशन है लाइक E=9GK/3K+G, ये इक्वेशन आपको बहुत सारा एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. ठीक है, इसी तरह जो इक्वेशन है यंग्स मॉड्यूलस, बार्क्स मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को लेकर इसी तरह जो इक्वेशन है वो आपको देखना है. ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडिंग इन बीम में कैसा लोडिंग है पहले समझना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, ओवरहैंगिंग बीम क्या है एंड ये जो डिफरेंट बीम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग में कैसा रिएक्ट करता है, अगर इसमें पॉइंट लोड डाला जाएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा शेप लेगा, कैसा शेप में आएगा. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है. स्प्रिंग में से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम वॉच में कौन सा स्प्रिंग यूज़ करता है. ठीक है, शैफ्ट आपको अच्छे तरह से देखना है, सिलेंडर, थिक सिलेंडर एंड कॉलम. ठीक है, बोथ एंड हिंज्ड, वन फ्री एंड अदर एंड हिंज्ड, ऐसी तरफ से जो कॉलम का जो डिफरेंट कंडीशन है वो आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है. ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर
बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियर में आपको कौन सा टॉपिक ध्यान में लाना है? टाइप्स ऑफ चिप्स फॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूस चिप्स क्या होता है, कौन सा मटेरियल मशीनिंग में मशीनिंग करने के टाइम कॉन्टिन्यूस चिप्स फॉर्मेशन होता है, डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स क्या है, अगर हम कास्ट आयरन को मशीनिंग कर रहा है और माइल्ड स्टील को मशीनिंग कर रहा है कौन सा मटेरियल में क्या क्या चिप्स फॉर्मेशन होगा, बहुत अच्छे से बहुत माइन्यूट से जानना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग क्या है, ऑब्लिक कटिंग क्या है, कौन सा कटिंग सिस्टम को थ्री डायमेंशनल कटिंग सिस्टम कहता है, वो बहुत अच्छे से आप देख लेना। मैं इसी के ऊपर डिफरेंट जो चैप्टर आपको समझा रहा हूँ इसी चैप्टर के ऊपर मैं MCQ लेके आपके सामने आऊँगा। ठीक है, एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो जो वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे वो मैं यूट्यूब चैनल में तो डालूंगा ही, एंड उसी के साथ जो PDF कॉपी जिसकी के ऊपर मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करके वीडियो यूट्यूब में डालूंगा वो PDF का भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आपको एक छोटा काम करना है, आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसी लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है। ठीक है, नेक्स्ट लेथ। लेथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ड्रिलिंग मशीन, टैप, रिमार, ग्राइंडर, मिलिंग मशीन, अप मिलिंग क्या होता है, डाउन मिलिंग क्या होता है, ठीक है, इसी के ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या देखना है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप अगर समझ जाओगे तो हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग आपका आप ज़्यादा अच्छे से समझाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग पैटर्न, पैटर्न क्या है, ठीक है, पैटर्न क्या है, कास्टिंग क्या है, डिफरेंट कास्टिंग डिफेक्ट क्या है, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस क्या है, ये आपको देखना है। वेल्डिंग टेक्निक आपको देखना है, गैस वेल्डिंग टेक्निक, बेसिकली गैस वेल्डिंग टेक्निक एंड आपको आर्क वेल्डिंग टेक्निक देखने से हो जाएगा, उसी के साथ आप थर्मिट वेल्डिंग भी देख जाना एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूड कर लीजिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑल्सो। मटेरियल साइंस में आपको क्या क्या देखना है, मटेरियल साइंस में आपको डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डक्टिलिटी क्या है, ड्रॉन इन टू वायर अगर कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो क्या है, डक्टिलिटी है। ठीक है, डक्टिलिटी का ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, मैलेबिलिटी क्या है, डिफरेंट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन कौन सा फर्नेस में प्रोड्यूस होता है, कितना परसेंटेज कार्बन कैरी करता है, ठीक है, डिफरेंट स्टील में क्या क्या कार्बन परसेंटेज है, यूज़ क्या है, ठीक है, ये देखना है आपको। नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट देखना है, केस हार्डनिंग प्रोसीड्योर क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, ठीक है, एनेलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग एंड एनेलिंग के अंदर में क्या फ़र्क है, ठीक है, खूब माइन्यूट से देखना है आपको, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ YouTube चैनल में फोकस करना है। नेक्स्ट मशीन डिज़ाइन, इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो टॉपिक है वो है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। ठीक है, वो देखना है इंटरचेंजेबिलिटी। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेलियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप ज्वाइनिंग, ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग्स क्या क्या है, सॉकेट है, बेंड है, ठीक है, टी है, इसको देखना है। रिवेट वेल्डिंग जॉइंट कैसे फेल करता है, वेल्ड जॉइंट कैसे फेल करता है, रिवेट जॉइंट एंड वेल्डिंग जॉइंट इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रू थ्रेड्स में पिच क्या होता है, नोमिनल डायमीटर क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, शांक की क्या होता है, ये पूछा जाता है। कपलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, ओल्ड हैंग कपलिंग क्या है, फ्लेंच कपलिंग कौन सा टाइप का कपलिंग है, हुक्स कपलिंग क्या है, अगर हम दूसरा दोनों सेफ्ट को कपलिंग कर रहा है लेकिन दोनों सेफ्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है तो हम कौन सा कपलिंग यूज़ करूँगा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट का एंगल क्या होता है, वी बेल्ट ड्राइव कहाँ पर यूज़ करता है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या क्या देखना है, सरफेस टेंशन के यूनिट क्या है, ठीक है जी, सरफेस टेंशन के यूनिट क्या है देखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, बार्नौली इक्वेशन देखना है आपको, ठीक है, ऑयलर्स इक्वेशन,
कोएफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस को कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या है, उसी के अंदर जो रिलेशन है वो देखना है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, वेबर्स नंबर क्या है, मैक नंबर क्या है, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपका, ये जो सिलेबस मैंने जो प्रिपेयर किया हूँ इसी को भी मैं मेरा टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके ये सिलेबस आप निकल लीजिए। नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत ही छोटा है, फ्लूइड मैकेनिक्स को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर कैविटेशन क्या है, वाटर हैमर क्या है, ठीक है, डिफरेंट जो टर्बाइन है कौन सा हेड में कौन सा टर्बाइन यूज़ हम करता है, ठीक है वो देखना है, सेंट्रिफ्यूगल पंप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्वेश्चन बहुत ही कम है, आर एस कुर्मी है और आर के जोइन, अब जो ही बुक है उस देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही कम है लेकिन उस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या क्या देखना है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाद डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर कौन सा थर्मोडायनेमिक्स लॉ के मुताबिक होता है वो आपको देखना है, डिफरेंट गैस लॉ, बॉयल्स लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, ठीक है ये आपको देखना है, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, ठीक है, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक साइकिल, ऑटो साइकिल क्या होता है, जूल साइकिल क्या होता है, गैस टर्बाइन कौन सा साइकिल में ऑपरेट होता है, डीजल साइकिल कौन सा, डीजल साइकिल का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ये सब बहुत अच्छे से देखना है, एंड कौन सा साइकिल में कौन सा प्रोसेस के ऊपर चलता है, कौन सा साइकिल, अगर आप एक एग्जांपल देते हैं आपको जो ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ कौन सा साइकिल से ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल में एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, दो आइसोटोपिक प्रोसेस होता है, ठीक है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, जो डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ व्हिच साइकिल, ठीक है व्हिच प्रोसेस। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर भी जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है आपका जो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट है, ठीक है उसी के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, ठीक है कौन सा रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ठीक है ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, उसका जो केमिकल नेम क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, एंड हीट ट्रांसफ़र, ठीक है जो डिफरेंट हीट ट्रांसफर प्रोसीड्योर है, बॉयलर फर्नेस में कौन सा प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होता है देखना है। आईसी इंजन में फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ब्रेक पावर क्या है, इंडिकेटेड पावर क्या है वो आप लोग जानते ही है, हम आपको रिकमेंड करेंगे आईसी इंजन का जो डिटोनेशन का जो पार्ट है ना, डिटोनेशन सिटेन नंबर ऑक्टेन नंबर वही आप अच्छे से देख लेना, मोर देन एनाफ है। नेक्स्ट बॉयलर कंप्रेसर एंड टर्बाइन, इसी को मेरा जो सुझाव है आप इसी को प्रिपरेशन के एक लास्ट स्टेप में आप तैयार कीजिएगा, ठीक है इसी जो तीन आप चैप्टर आपको हम आपको बताएंगे बता रहा है इसी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, दो एक क्वेश्चन आता है लेकिन इसी के ऊपर ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी चैप्टर को आप बात दूसरी जो चैप्टर है उसी को ख़त्म करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाएगा तो इसी चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है मेरा सुझाव, ठीक है कैसा लग रहा है मेरा जो स्ट्रेटेजी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अब लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आप अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।